आज जो है हम एक्साइटेड हैं सबसे ज़्यादा देखने के लिए कि बबली ने और कितने अंडों में से बच्चे निकाले हुए हैं। तो चले आए चलते हैं, मेरे लिए भी सरप्राइज़ होगा, आपके लिए भी सरप्राइज़। ब्रह्मा जी ज़रा साइड पे हो जाएं आप, यहाँ से हाँ भाई बबली क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। व्लॉग देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। आप देख रहे होंगे बबली ब्रूटर में कैसे चले गए। तो बेसिकली कुछ शाम को कुछ जो है ना मैंने सेटअप में तब्दीली की थी, तो पहले आप जाएँ और जाके देखें कि शाम में मैंने क्या क्या काम किए और सेटअप में क्या क्या तब्दीली की, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि आज मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम था, तो मैंने कहा क्यों ना इनका जो है ना वो सेटअप थोड़ा सा बदल दिया जाए। तो सेटअप कुछ ऐसा बदला कि ब्लैक सिल्की को मैंने यहाँ से निकाल दिया और उसको अंडों समेत हमारे पास ये जो दूसरा क्रेट है ना इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। थोड़ी देर तक हम ना इसके अंडे भी इसको एडजस्ट करा देंगे सही। अभी दो अंडे आपको नज़र आ रहे होंगे कि बाहर हैं, तो इसको जो है ना हम इधर मूव कर देंगे और इसको जो है ना बबली को क्रेट समेत हम अंदर रख देते हैं हमारे ब्रूटर के अंदर, ताकि हम इसको ओपन जगह दें बबली को, ये बाहर निकल सके, खा पी सके कुछ, और इधर हम इसका ना सेटअप बना देंगे पानी का भी सेटअप। इसको जो हमारे पास छोटे वाटर फीडर्स हैं वो ला के भर के रख देते हैं, दाने की ट्रे भी है हमारे पास एक, तो वो भी ला के इसको दे देते हैं, ताकि ये जो है ना बाहर निकले, बच्चों को बाहर निकाले, दाना खाना सिखाए, पानी पीना सिखाए, इस तरह के काम करे सारे। तो ब्लैक सिल्क की तो इसमें मूव हो गई है, आप देख सकते हैं ये अंडों पे बैठ गई है, दो अंडे इधर से बाहर हैं, दो अंडे उधर से बाहर हैं, या आहिस्ता खुद ही एडजस्ट कर लेगी अपने अंडे। और इसको जो है ना क्रेट को उठा के ना अंदर रख देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्रेट अंदर मूव कर दी है, और बबली अब स्पून से अपने घर में बेसिकली मूव हो गई है ब्रूटर में अपने बच्चों समेत। अब इसको जो है ना दाना पानी ला के इधर डाल देते हैं इसको, ताकि जो है ना दाना पानी ये खा सके। तो गाइस ये रहा हमारा वाटर फिल्टर, इस तरह के दो हैं हमारे पास, एक को हम यूज़ करते हैं दाना डालने के लिए सबको, एक हमारे पास वेला ही होता है, तो हम जो है ना ये पानी रख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा साइड पे करके रखते हैं जहाँ पे ज़रा मुर्गियों की बिट्ठे ऊपर से ना गिरें इस पर। और दाने के लिए वो ट्रे आपको दिख रही है वो मैंने निकाल ली है, पहले नीचे जाते हैं इनके लिए जो है ना थोड़ा सा दाना ग्राइंड करते हैं, क्योंकि चूज़ों से डायरेक्ट अभी नहीं खाया जाना, तो जो हम मोटा दाना इनको डालते हैं, इनको भी दाना डालते हैं पहले फिर नीचे जाते हैं। ये सिल्की क्या कर रही है हमारी सारे अंडे ये बाहर करी जा रही है, इसका कोई इलाज करना पड़ना है। ये देखें इससे अभी ना अंडे सही एडजस्ट नहीं हो रहे, इसकी तरफ थोड़ी हेल्प करते हैं भाई, ये अंडे नीचे कर लो सारे, ख़राब ना कर देना, पता लगे हमारे प्लान हमें महंगा पड़ जाए। थोड़ा सा जो है ना इसको मारो नहीं, ये थोड़ी सी जो है ना बबली से ज़्यादा टॉलरेंट है, बबली तो बहुत ही एकदम अग्रेसिव और कुटना स्टार्ट कर देती। सही तरह फैल के बैठो, क्या हो गया, चलो दिस मार हुई सर और आ गया इधर को भी है। तुम्हें मैंने ना जगह ही उतनी दे देनी जितने अंडों के लिए चाहिए, फिर तुम सही रहोगे। मैं थोड़ी खुली जगह दी है ताकि तुम्हारे भी बेबी हों, तो तुम सही तरह उनको एडजस्ट कर लो, इधर खुले में फिर भी लेंगे अंदर थोड़ा सा वो। अच्छा चलो खुद ही कर लेंगे, अभी इसको जो है ना डिस्टर्ब करना बंद करते हैं हम।
और सीड ग्राइंड करके लेके आते हैं बेसिकली हमारी बबली के लिए और उसके चूजों के लिए। तो गाइस हम इस ग्राइंडर की मदद से ये वाली फीड हम जो अपनी मुर्गियों को डालते हैं वो डाल रहे हैं और उसको ग्राइंड करके ऐसे बारीक बारीक करी जा रहे हैं। जो बीच में मोटे दाने हैं वो उसकी कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि बबली भी है और बबली मोटे दाने खा लेगी, बारीक जो चूरा पूरा है वो हमारे छोटे चूजे खा लेंगे। तो इतनी फीड हम लेके आए हैं, इसको इस डब्बे में भर के हम ऊपर ले जाएंगे और हर दूसरे तीसरे दिन बाद ये हम ना डब्बा बना लिया करेंगे और जब तक चूजे बड़े नहीं हो जाते तो हम जो है ना ये फीड इनको खिलाएंगे। तो गाइस ये चेक करें, फीड हमने ग्राइंड की हुई ट्रे में डाल दी है और पानी भी जो है ना वो हमने दोनों चीज़ें जो है ना बाहर रखने की बजाय अंदर रखनी है क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी तो इन्होंने बाहर आना नहीं है। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अभी ये 3-4 दिन अंदर ही रहेंगे, कोई भी बाहर नहीं आएगा क्रेट से। जब सारे अंडे हैच हो जाएंगे हम ही इनको बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। और अभी के लिए जो है ना इनका इसलिए क्रेट के अंदर ही दाना पानी जो है ना मैंने कर दिया ताकि माँ इधर खाएगी ट्रे में से तो बच्चे भी उसको देख देख के सीखेंगे और वो पानी भी रख दिया कि अगर इनको प्यास लगे तो पानी पी लें। ये देखें बेबीज को माँ कवर कर रही है, बेबीज बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी प्रोटेक्टिव और अच्छी मदर है बबली माशाल्लाह से। तो अब जो हम है ना हम इस ब्रूडर को ऊपर से बंद करते हैं ताकि कोई अंदर ना आए और हम जो है ना नीचे चलते हैं। वो देखें एक छोटा सा बेबी बाहर आया है देखने, माँ उसको अंदर घुसा रही है। माँ देखें बच्चे भी कवर करने की कोशिश कर रही है, अंडे भी कवर करने की कोशिश कर रही है, फुल फैल रही है वो अपनी तरफ से मैक्सिमम जितना फैल सकती है। आज जो है हम एक्साइटेड हैं सबसे ज़्यादा देखने के लिए कि बबली ने और कितने अंडों में से बच्चे निकाले हुए हैं। तो चले आए चलते हैं, मेरे लिए भी सरप्राइज़ होगा, आपके लिए भी सरप्राइज़। ब्रह्मा जी ज़रा साइड पे हो जाएं आप यहाँ से। हाँ भाई बबली क्या सीन है? बबली बच्चे भी खा दो यार। नहीं ये देखें गाइस यहाँ से जो है ना इसमें फीड सारी खाई हुई है, हो सकता है बच्चों ने भी खाई हो या इसने बच्चों को सिखाई हो। बबली ये मारने से बात नहीं आती, हुए चक्कियाँ काटती है फुल ऑन, आगे पीछे ऊपर नीचे। एक अंडा ये बाहर क्यों गिरा हुआ यार? ये ब्राह्मा का अंडा, इसमें से बच्चा निकलना चाहिए। चले इसको ना थोड़ा सा हम ईंट की मदद से हटाते हैं ताकि इसकी चूँचें हमें ना खानी पड़े। दिखा दो यार, धूप निकली हुई है, बच्चों को धूप लगवाओ तुम। ओए हो माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए हो 1 2 3 4 नजर आए हैं। बबली इधर से दिखा दो बच्चे। गाइस ये चेक करें, 5 जो हैं वो बच्चे निकल चुके हुए हैं और बाकी के अंडे जो हैं ना बिखरे हुए हैं। हम इनको सेट करके थोड़ा सा रख देते हैं, क्या पता थोड़ी देर तक इनमें से भी बच्चे निकल आए। गाइस बबली के ये 5 बेबीज निकल चुके हैं हुए हैं और 5 अंडे बाकी हैं। तो मज़ीद देखते हैं किसी अंडे में से बच्चा और निकलता है या नहीं निकलता। फ़िलहाल के लिए तो यार वो बच्चे से सीधा नहीं हो जा रहा, मैं उसको सीधा कर रहा हूँ, तुम मुझे वखरी वड्डी जाती है बस। तो मज़ीद देखते हैं कि कितने जो हैं वो बच्चे निकलते हैं कितने नहीं निकलते। हम जो है ना वो हम अपने सेटअप पे काम सीधे करते हैं सारे, इनको दाना डालते हैं डाके और अपने पिजन्स के लिए जो नया दाना बनवाया है वो मैं आपको दिखाता भी हूँ डालता भी। ये जी दाना डाल चुका है, चलो नीचे भी नीचे चलो दोनों। ब्रामा तुम्हारा नीचे जाने का दिल ही नहीं करता, तुम सारा दिन ऊपर फिरती रहती हो। वो देखें बबली, मुझे लगता है
जो बाकी के 5 अंडे बचे हैं ना, उसमें से शायद ही कोई एक दो बेबी और निकले, ज़्यादा नहीं निकलेंगे। और सिल्की का मुझे डाउट ही लग रहा है, सिल्की की बेचारी के ना पार बहुत छोटे हैं, तो उससे उस तरह से फैलाए नहीं जाते जिस तरह बबली फुल अपने आप को फैला के बैठी होती है ना। चलो जितनी देर ये खाते हैं खाना, उतनी देर हम डालते हैं अपने पिजन्स को खाना। और इनके खाने में इस दफ़ा मैंने काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें ऐड करवाई हैं, आपको दिख ही रहा होगा। ये वाइट वाइट जो बीज आपको दिख रहे हैं ये मैंने नए ऐड कराए हैं, और तारे मीरे का दाना भी ऐड कराया है, क्योंकि सर्दी है तो जितनी गर्म चीज़ें आप ऐड करा लो दाने में उतना ही जो है ना आपके जानवरों के लिए बेहतर है, उनको सर्दी नहीं लगेगी। बाकी दाना वही है, कनक है, मकई है, काले चने हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं हमारे, और बाजरा है। तो ये चलते हैं और अपने पिजन्स को दाना डालते हैं ये, और देखते हैं कितने ये मज़े से ये खाते हैं। पानी इनका जो है ना, जब तक अब ये फिनिश नहीं हो जाएगा ना तब तक हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पानी जो है ना हमने बनाया हुआ है शरबत वाला पैनाडोल डाल के, तो हम चाहेंगे कि 2 दिन ये पिए, उसके बाद ही जो है ना। चलें, दाना डाल चुका है ये देखें, अब हमारे असील चूजे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो ये भी ये दाना बड़े शौक से इंजॉय करके खाते हैं। गाइस ये नहीं बाहर निकल रही, दाना डाला और ये बाहर नहीं आ रही, इसका मतलब इसने कोई अंडा दिया हुआ है। भाई तुमने दोबारा अंडा दे दिया, दिखाओ जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे सेंटिनल के जोड़े ने दोबारा अंडे देने स्टार्ट कर दिए, एक अंडा दिया हुआ है, एक अंडा दे दिया, इसका मतलब है कि आज शाम तक या कल के दिन में दूसरा अंडा भी दे देगी। यार नाइस यार, ये तो दोबारा मम्मी पापा बन गए हमारे। देखिए मेल यहाँ पे खाना खा रहा है और फीमेल जो है ना वो अंडे के पास बैठी हुई है, और इधर भी देखें ना, क्योंकि इधर भी अंडे हैं, तो देखें जो हस्बैंड है वो ड्यूटी दे रहा है और माँ वो जो है ना वाइफ जिसकी वो दाना खा रही है। कोई जब तक अंडे ना दिए तब तक दोनों निकल के बाहर दाना खाते हैं, अंडे या बच्चे हों तो फिर एक एक करके जो है ना दोनों दाना खाते हैं। ये देखें गाइस, बच्ची की फीड मैंने साफ कर दी है और नई फीड जो है ना वो मैं डालने लगा हूँ, और ये कबूतर मेरे पीछे मंडरा रहे हैं बच्ची की फीड खाने के लिए। रेडी चेक कर रहा, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे एकला कबूतर उड़ के। तो गाइस हमारे सेटअप के काम कंप्लीट हो चुके हैं, और वो देखें जैसे मैंने कहा था, एक होमर मेल जो है वो ऊपर बैठा बज्जीस के दाने में से खा रहा धड़ाधड़ सनफ्लावर सीड्स, और दूसरा जो है वो आप देख रहे हैं कबूतरों का दाना पानी अभी तक चल रहा है। माशाल्लाह से नई फीड लगता है इनको पसंद आई है, उसमें से ये सारी चीज़ें निकाल निकाल के चुन चुन के खा रहे हैं। वाइट वाले सीड्स ऑलमोस्ट इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, काले चने अब खाने पर आए हुए हैं, सनफ्लावर सीड्स तो सबसे पहले ख़त्म करते हैं, तो इनको लगता है ये नया दाना पसंद आया, तो हम अगली दफ़ा भी कोशिश करेंगे इनके लिए यही दाना बनवा के लेके आएं। अब हम चलते हैं नीचे और अपने ऑफिस का काम करते हैं, और इनको ज़रा धूप वगैरह सेकने देते हैं, और थोड़ी देर बाद आएंगे, देखेंगे शायद कोई बबली के अंडे में से और बच्चा निकल आए, शायद हमारी किस्मत में अगर 5 ही बबली के बच्चे हुए तो 5 ही मिलेंगे, वरना अब देखते हैं बाकी 5 अंडों के साथ क्या बनता है। गाइस हम जो है शाम का खाना डालने के लिए मुर्गियों के ऊपर आए हैं, और मैंने इसको बबली को थोड़ा सा हिला के देखा है, तो 5 बच्चे तो इधर हैं लेकिन 5 अंडे नहीं हैं, तो मुझे लगता है एक और बेबी निकला है जो कि इसने अपने नीचे ना छुपा के रखा हुआ, इस टाइम खेल नहीं रही, तो इसको थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करते हैं। बबली ना मारो यार, क्या हो गया,
बहुत मार रही है, बहुत मार रही है भाई। खैर देख लेंगे हम खुद ही बाद में, इनको इधर से तो हमने बाहर निकालना ही है, तो तब इंशाल्लाह जो है ना वो हम देख लेंगे कि क्या मसला है। इनकी पानी की बोतल थोड़ी सी सीधे करते हैं ताकि इनको सही तरह पानी मिले, और हमारी मुर्गियों के लिए जो है ना हम शाम का खाना भी लेके आना है। अभी इनकी फीड में है थोड़ा सा, तो थोड़ी देर तक डालते हैं हम, तब तक जो है ना हम इसको उठा के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि आपको सारे बेबीज दिखा सकें हमारे। गाइस मुझे ही गलतफहमी हुई थी, 5 अंडे पूरे थे और बेसिकली 5 ही बच्चे निकले हुए हैं बेसिकली। अब देखते हैं और बच्चे निकलते हैं नहीं निकलते हैं। लेकिन मुश्किल ही लग रहा है मुझे इसके अलावा और बच्चे निकले। एक दो दिन हम और इंतज़ार करेंगे और उसके बाद जो है ना अंडे हम खुद से हल्के से क्रैक करके देख लेंगे कि बीच में कोई डेवलपमेंट हुई हुई है या नहीं हुई। और वैसे तो मैंने अपना अंदाज़ा लगाया था कि 6-7 बच्चे जो हैं वो बबली के नीचे से निकल आएंगे, तो देखते हैं मेरा अंदाज़ा ठीक निकलता है कि गलत निकलता है। अभी तक तो हम 5 बच्चे निकल चुके हैं, अगर 1 या 2 बच्चे भी और निकल आते हैं तो मेरा अंदाज़ा ठीक हो जाएगा, वरना मेरे अंदाजे से भी कम बच्चे निकलेंगे। हम अपनी मुर्गियों के लिए फीड ला के इनको डाल देते हैं और बल्ब जो है ना हीटिंग वाले वो जला देते हैं। मेरे हाथ को ठोंगे नहीं मारा करो, सर्दी है बहुत दर्द होते हैं। नहीं इंसान के बच्चे नहीं बांधते, इनका कोई इलाज करना पड़ना। इतनी ज़ोर से मेरे हाथ पे इन्होंने ठोंगा मारा। गाइस ये सील चूजा दिख रहा है आपको, ये हमारे घर मेहमान आए हैं, हमारे जो नेबर है ना जिनको हमने अपने 2 सेंटिनल के बेबीज और 1 होमर का बेबी सेल किया, उन्होंने ये हमें दिया कि हम गांव जा रहे हैं आप इसकी देखभाल करें कुछ दिन के लिए। तो ये वाला असील चूज़ा हमारे घर जो है ना वो मेहमान आया हुआ, तो 2-3 दिन हम इसकी देखभाल करेंगे, जब वो भाई वापस आएंगे तो हम उनको वापस कर देंगे। तो गाइस आज की वीडियो को हम जो है वो यहीं पे ख़त्म करेंगे। लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि कल तक 3 से 4 बच्चे निकले थे बबली के, आज जो है वो 5वां निकल आया हुआ है, और मज़ीद इसके और बच्चे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, लाजमी कमेंट करके बताइएगा। और आज के ब्लॉग को यहीं भी ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।